हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आप सबको बताएंगे सीबीएसई बोर्ड 2020 के लिए जो भी छात्र एग्जाम देना चाहते हैं, 10वीं 12वीं के छात्र, यहाँ पे न्यूज़ निकल कर आ रहा है, एडमिट कार्ड उसी छात्र का जारी होगा। यहाँ पे ऐसे छात्र का जारी नहीं किया जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। बोर्ड ने लिया है दोस्तों यहाँ पे फैसला, पहले क्या होता था, रिजल्ट के बाद आप सबका यहाँ पे सूचना निकाला जाता था, लेकिन इस बार जो है एग्जाम से पहले ही आप लोगों को बताया जा रहा है कि ऐसे छात्र जो है परीक्षा में शामिल नहीं होगा और एडमिट कार्ड उसका जारी नहीं किया जाएगा। तो जल्दी से देख लीजिए दोस्तों, इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके अपने लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के जितने भी वीडियोज लेकर आओ आप लोगों के लिए न्यूज, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और अब मॉडल सेट पेपर, सैम्पल पेपर, सिंपल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आप सबको मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि उसमें पैटर्न जो चेंज हुआ है, आप सभी छात्रों का सभी विषयों में 20% ऑब्जेक्टिव किया गया है, तो उसमें जाके देख सकते हो आप लोग जितने भी यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। तो मार्किंग स्कीम और सिंपल क्वेश्चन पेपर दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, फ्लाइंग छात्रों को जारी नहीं होगा एडमिट कार्ड, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे डॉक्टर संयम जो भारद्वाज है, परीक्षा नियंत्रक है सीबीएसई की तरफ से, तो यहाँ पे बताया कि कोई भी स्कूल फ्लाइंग परीक्षा फॉर्म भरवाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सभी स्कूलों से सूची मांगी गई है, पकड़ में आने वाले छात्रों को एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है। पिछले साल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि 2019 में 20,000 फ्लाइंग छात्र पकड़े गए थे, वो भी सिर्फ बिहार से। बोर्ड की माने तो 2019 में सैकड़ों छात्र ने फ्लाइंग रूप में दूसरे स्कूलों से परीक्षा फॉर्म भरे थे। बिहार की बात करें तो 20,000 केवल बिहार से ऐसे छात्र थे, ठीक है। तो पूरे ऑल इंडिया में सोच लीजिए दोस्तों, लाखों छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ पे फ्लाइंग छात्रों के श्रेणी में आते हैं। तो आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों यहाँ पे क्या न्यूज़ निकल कर आ रहा है, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। देखिए, सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा के पहले सभी परीक्षार्थियों की जांच की जाएगी। इसमें यह देखा जाएगा कि 9वीं और 11वीं यानी 9th क्लास और 11th क्लास में किस स्कूल में पढ़ते थे वो, ठीक है। इसकी जाँच के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सभी स्कूलों से 10वीं और 12वीं के परीक्षा फॉर्म भरने वाले परीक्षार्थियों की सूची यानी LOC लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स मांगी गई है। इससे बोर्ड उन परीक्षार्थियों को पकड़ेगा जिसने फ्लाइंग रूप से किसी दूसरे स्कूल से बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरा है। तो कहने का मतलब है कि यानी आपने 9वीं और 11वीं क्लास कहीं और से किया, लेकिन 10वीं और फिर 12वीं का यानी फॉर्म भरते समय, ठीक है, किसी और स्कूल में आप जाके फॉर्म भर रहे हो या फिर नाम लिखवा रहे हो, तो ये गलत है। इसी को फ्लाइंग छात्र बोलते हैं। यहाँ पे वो सब नहीं चलेगा, और उन सभी छात्रों का जो है यहाँ पे लिस्ट मांगा गया है जिससे मिलान करेगा दोस्तों, और आप सबका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे छात्र जो होंगे उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड ने इसके लिए स्कूलों को 30 सितंबर तक का समय दिया है। सभी स्कूलों को 30 सितंबर तक LOC की सूची बोर्ड को भेज देनी है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। 30 सितंबर तक सूची नहीं भेजने वाले स्कूलों को विलम्ब शुल्क लगेगा, इसकी जानकारी बोर्ड ने सभी स्कूलों को दे दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दिया यहाँ पे दोस्तों, आप लोग अगर किए होंगे ये काम, 9वीं जो है क्लास कहीं और पढ़ रहे थे, 10वीं में कहीं और चले गए, या फिर 11वीं में कहीं और थे और 12वीं में किसी और स्कूल में चले गए, या फिर किसी और स्कूल से आप फॉर्म भर रहे हो, तो ये गलत है। और ये ऐसे छात्रों का यहाँ पर मिलान किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, CBSE ने सभी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट यानी सभी छात्रों का यहाँ पे लिस्ट मंगवाया है कि हाँ सही में उस स्कूल में था या फिर नहीं, किसी और स्कूल में पढ़ रहे था वो, ठीक है। तो ये सभी मिलान करके आप सबका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अब से जो है यहाँ पे देखिए, बोर्ड से अनुमति के बाद ही 10वीं और 12वीं में होगा नामांकन, यानी बोर्ड से अनुमति के बाद स्कूल अपने मन से नहीं करेगा। 9वीं और 11वीं में रजिस्ट्रेशन होने के बाद बिना बोर्ड की अनुमति के स्कूल नहीं बदल सकते हैं। अगर कोई छात्र 10वीं और 12वीं में स्कूल बदलना चाहते हैं तो इसके लिए बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। बोर्ड के नियम में आने के बाद ही स्कूल बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी न्यूज़ आप सबके लिए था दोस्तों। 2019 में 20,000 फ्लाइंग छात्र पकड़े गए थे सिर्फ बिहार से। तो इस साल भी बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने दूसरे स्कूल में 9th क्लास किया था और 11th क्लास, लेकिन किसी और स्कूल से जाके वो फॉर्म भर रहे हैं, तो उन सभी छात्रों का यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सबको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा दोस्तों कि क्या मैं बताना चाह रहा था और क्या न्यूज़ निकल कर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह का और भी कोई न्यूज़ निकल कर आएगा तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के दे डालूँगा,
इसलिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के जितने भी वीडियोज़ लेकर आओ आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के मैथ्स और 11th और 12th के केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी वीडियो सोल्यूशन पाइए डॉक्टर के व्हाट्सएप नंबर 8400400400 पर। किसी भी तरह का प्रश्न फोटो खींच के भेजिए दोस्तों और वीडियो सोल्यूशन पाइए 10 सेकंड के अंदर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।